फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करना है 3x plus 1 upon 3x square plus 2x plus 1 के होल स्क्वायर का. तो आप ये देखिए कि हमें हम किस चीज़ को t माने जिसका डिफरेंशिएशन हमें नज़र आ रहा हो. आप देखो डिनोमिनेटर को हम खास तौर पे टारगेट करते हैं, हम खास तौर से डिनोमिनेटर को टारगेट करते हैं क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करने में डिनोमिनेटर प्रॉब्लम देता है. क्वेश्चन टूल हमारे पास है नहीं और उसे हम सॉल्व कर पाते नहीं. तो अब देखा क्या इसे हम t मान सकते हैं. तो आप देखो इसका डिफरेंशिएशन 6x और इसका 2, ऊपर भी ऐसा ही है अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए. तो हमने क्या करा, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करी तो बन गया 6x plus 2 और 2 से कर दिया डिवाइड और ये हमारे पास है 3x square 2x plus 1 का होल क्यूब. तो अब क्या किया, 3x square 2x plus 1 को हमने t माना तो ये आया 6x plus 2 के साथ dx और dt. तो डिनोमिनेटर में तो आ गया t cube और न्यूमरेटर में आ गया dt. t cube का मतलब हो गया t raised to power minus 3 plus 1 minus 3 plus 1 plus में आ गया c और 1 upon 3. तो ये हो गया 1 upon 6 वो भी माइनस वाला, साथ में 1 upon t square और प्लस में आ गया c. अब t की वैल्यू पुट कर दो तो माइनस का 1 upon 6 3x square प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में सी और यही आपका अच्छा ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन में साइन क्यूब के साथ कॉस एक्स है. देखिए हम उसे टी मानना चाहते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमें न्यूमरेटर के साथ दिखाई दे रहा हो. तो हमने ये देखा कि भाई अगर साइन एक्स को टी माने तो कॉस एक्स और डी एक्स कितना हो गया डी टी. क्या कॉस एक्स है डी एक्स के साथ, है तो सही और ये बन गया आपका टी क्यूब. और टी क्यूब का क्या हो जाएगा, टी फोर बाई फोर और टी क्या है आपके पास, तो ये बन गया साइन 4x अपॉन 4 और प्लस में आ गया c. फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में टेन क्यूब के साथ sec square. देखिए sec square आपको हमेशा क्लिक करता है, टेन का डिफरेंशिएशन होता है. तो आप देखो अगर हम टेन एक्स को t माने तो क्या इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है हमारे पास, sec square x dx किसके इक्वल, dt के. तो ये तो हो गया t का क्यूब, साथ में आ गया dt, तो बन गया t 4 बाई 4 प्लस में आ गया c और t आपके पास में क्या है 10. तो ये हो गया 10 4x अपॉन में 4 प्लस में आ गया c. फोर्थ क्वेश्चन में आप देखो क्या आपको कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है जिसका डिफरेंशिएशन भी साथ साथ नजर आ रहा हो. तो हम देखते हैं साइन इनवर्स x. अच्छा एक तो हम ये चाहते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज नजर आए जिसका डिफरेंशिएशन हो और हमारा दूसरा एम ये भी होता है कि वो चीज प्रॉब्लमेटिक भी होनी चाहिए जिसका इंटीग्रेशन हमें इजीली आता नहीं है क्योंकि हम उसे दूर करना चाहते हैं तभी तो ये सब सोच रहे हैं. तो हमने देखा कि साइन इनवर्स एक्स के बारे में ऐसा कहा जा सकता है. तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. तो ये बन गया 4 के साथ टी क्यूब और आ गया साथ में पूरा डी टी. अभी टी क्यूब का हो जाएगा पावर बढ़ाओ प्लस में आ गया सी 4 से 4 और ये आपके पास है साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 और आ गया सी. फोर्थ क्वेश्चन में लॉग एक्स का क्यूब है और एक्स है. देखिए लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता तो हम ये सोचते हैं क्या लॉग एक्स को टी माना जा सकता है या नहीं. आप देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स हमें दिखाई दे रहा है इसलिए हमने क्या किया लॉग एक्स को माना टी और अब 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो गया डी टी. तो ये हो गया टी क्यूब के साथ डी टी जो बन गया टी फोर बाई फोर प्लस में आया सी और आप लिख सकते हो इसे लॉग एक्स रेस्ट टू पावर 4 अपॉन 4 और आ गया सी. फिफ्थ क्वेश्चन में लॉग टेन एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स. देखिए यहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट लेवल पे
क्योंकि आपको ये नहीं पता कि log 10x by 2 का डिफरेंशिएशन 1 upon sin x होता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैंने आपसे कहा था cos x का इंटीग्रेशन होता है log 10x by 2। एक मैंने दो फॉर्मूले बताए थे आपको cos x के, एक तो बताया था log cos x minus cot x, और एक मैंने कहा था रेयरली यूज होता है log 10x by 2। अगर cos x का इंटीग्रेशन log 10x by 2 है तो इसका मतलब log 10x by 2 का डिफरेंशिएशन cos x है, और cos x का दूसरा नाम 1 upon sin x है। तो ये हम अगर ऐसे सोच पाए, याद आ जाए तो हो जाएगा, वरना आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। पहले आप x by 2 को t मानोगे, फिर 10x by 2 को t मानोगे, तो बात बनेगी। लेकिन अगर आपको याद है कि log 10x by 2 को अगर t माना जाए तो इसका डिफरेंशिएशन 1 upon sin x होता है। चलो नहीं याद आता, एक काम करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो ये बन गया 1 upon log का डिफरेंशिएशन 1 upon x, डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। तो ये आ गया sec स्क्वायर x by 2, फिर से डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, और इक्वल टू आ गया dt by dx। अब देखिए ये जो tan है इसे आप लिख सकते हो sin x by 2 upon cos x by 2, sec स्क्वायर को लिख सकते हो आप 1 upon cos स्क्वायर x by 2, और एक 2 हमारे पास है, एक पावर कैंसिल हुई, और आप देखिए क्या बन गया 2 sin a cos a। क्या होता है 2 sin a cos a, sin 2a, और आप देखो आपको dt मिला या नहीं मिला। तो अगर ये याद रहा तो वेल एंड गुड, ये t, ये dt, और आंसर आ गया t square by 2, और t आपके पास है log 10 x by 2 का स्क्वायर, एक 1 upon 2 भी लगाना है, और लास्ट में c को आना है। सिक्स क्वेश्चन में न्यूमरेटर में साइन एक्स और डिनोमिनेटर में रूट में 3 प्लस 2 कॉस एक्स, क्या कोई ऐसी चीज है जो प्रॉब्लमेटिक भी है और इसका डिफरेंशिएशन भी हमें नजर आ रहा हो। तो हम देखते हैं अगर 3 प्लस 2 कॉस एक्स को t माना जाए तो 3 का 0, और ये आ गया साइन एक्स के साथ डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स है, डी एक्स है, इक्वल टू में आया माइनस 1 अपॉन डी टी है। तो देखो साइन एक्स और डी एक्स को हटाएंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 1 अपॉन डी टी, और ये आ गया 1 अपॉन रूट टी। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी, और माइनस का 1 अपॉन 2 आया 1 सी, तो ये आ गया माइनस का रूट टी प्लस सी, और रूट टी का मतलब 3 प्लस 2 कॉस एक्स, और प्लस में आया सी। सेवन क्वेश्चन में हमें एक्स क्यूब दिखाई दे रहा है, एक्स फोर दिखाई दे रहा है। ये दो चीज ऐसी हैं कि अगर एक को देखें तो दूसरा उसका डिफरेंशिएशन है। तो हमने एक्स फोर को टी माना तो आया 4x क्यूब के साथ डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो एक्स क्यूब के साथ आपको 4 भी चाहिए, तो आप देखो 4x क्यूब और डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं डी टी, और साथ में क्या आया साइन टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस टी, और ये हो गया माइनस का 1 अपॉन 4 कॉस टी, प्लस में आ गया सी। एट क्वेश्चन में 1 प्लस लॉग एक्स दिखाई दिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स भी हमें दिखाई दे गया। तो इसीलिए हमने क्या किया, 1 प्लस लॉग एक्स को माना टी, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया डी टी। तो डी एक्स और एक्स तो गए, इनकी जगह आ गया डी टी, साथ में बन गया टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का होता है टी क्यूब बाई 3, प्लस में आया सी, और बन गया 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 और सी। नाइन्थ क्वेश्चन में आप ढूंढा करो क्या कोई ऐसी चीज है जिसका डिफरेंशिएशन हमें दिखाई दे रहा हो, जैसे कि 2 tan इनवर्स एक्स है, या
टू नहीं नजर आया, चलो आपने बोला टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स को माना टी, तो ये बन गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखो क्या ये दोनों चीजें आपको दिखाई दी, ये तो बन गया डी टी और साथ में आ गया सेक्स स्क्वायर टू टी। आप देखो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स और एक्स के कोफिशेंट से डिवाइड, ठीक है, और लास्ट में आ गया सी। तो आपके पास ये है टू के साथ टेन इनवर्स एक्स और बन गया सी। टेंथ क्वेश्चन में देखिए, आप ढूंढिए उसे जिसका डिफरेंशिएशन आपको dx के साथ दिखाई दे। तो ऐसे में हमने अगर ध्यान दिया a के साथ b tan square x पर, तो a का डिफरेंशिएशन 0, tan square का हो जाएगा 2 tan x, और tan x का भी करना पड़ेगा चेन रूल की वजह से sec square x और dx equal to dt। आप देखो ये सारी सारी चीज़ आपको दिखाई तो दे रही है, बस कमी किसकी है, 2b की, तो 2b से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो आप देखो न्यूमरेटर में आपको सारा का सारा मिलकर क्या हो गया dt, ये पूरा क्या था t, और बाहर क्या है 1/2b, और 1/t मतलब 1/x, 1/x मतलब log x, और साथ में आ गया c। तो बस लास्ट में आपको वैल्यू पुट करनी है t की, जो है a प्लस b टेन स्क्वायर एक्स प्लस में आ गया c। इलेवेंथ क्वेश्चन में हमें ex दिखाई दिया, और हम जानते हैं ex के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि खुद ex का डिफरेंशिएशन होता है, और cos x स्क्वायर के साथ बड़ी अजीब सी वस्तु दिखाई दी। तो हमने ये सोचा cos x स्क्वायर x अच्छा लगता है, ना कि उसके साथ कुछ और फंक्शन, तो हमने इसे t माना। e रेस टू पावर x का e रेस टू पावर x, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, तो माइनस आ गया, साथ में dx इक्वल टू आया dt। तो आपको देखो ये तीन चीज़ चाहिए थी, माइनस टू भी चाहिए, तो हमने क्या किया, माइनस टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। तो अब आप देखिए एक और दो, ये दोनों मिलकर तो हो गए dt, और बचा आपके पास cos x square t। क्या cos x square का इंटीग्रेशन हमें आता है, माइनस, तो एक माइनस पहले से है, तो बन गया आपका cot t अपॉन में 2 प्लस में c। फिर t की वैल्यू तो पुट करनी ही पड़ेगी, 2e माइनस x प्लस में 5 1 अपॉन 2 प्लस में c। ट्वेल्थ क्वेश्चन में आप देखिए तीन चार एक्सप्रेशंस हैं, आप ये देखो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि भाई किसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो हमने इस पूरे पे ध्यान दिया, tan इनवर्स x क्यूब को अगर मैं t मानूं, तो देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का, साथ में आ गया dx इक्वल टू में dt। तो आपको 3 की कमी नजर आई, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा। अब आप देखो 3x स्क्वायर भी dx भी ये भी सब मिलकर क्या हो गए dt, और ये क्या है हमारे पास t, t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाई 2, पहले से है एक 3, और t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x क्यूब स्क्वायर 6, और साथ में आ गया c। 13 क्वेश्चन में रूट में टेन एक्स है और बाहर वन प्लस टेन स्क्वायर, ये वन प्लस टेन स्क्वायर क्यों लिख दिया, क्योंकि इसका तो नाम होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। अब रूट में आपको टेन एक्स दिखाई दे रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो रहेगी, पर अगर टेन एक्स को टी मान लिया जाए तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया डी टी। तो ये पूरा तो बन गया डी टी, और ये हो गया आपके पास रूट टी। रूट टी का मतलब है टी की पावर हाफ, पावर हो तो लगाओ पावर वाला रूल, प्लस में आ गया सी। तो टी रेस टू पावर 3/2 और यहाँ पर 2/3, अभी टी की वैल्यू क्या है 10, तो 10 रेस टू पावर 3/2 के साथ 2/3 प्लस में आ गया सी। 14th क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है 1/sin³ के साथ sin x + α का। देखो इस तरह का
कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, कोई आइडेंटिटी भी हमारे पास ऐसा नहीं जो इसे इंटीग्रेबल फॉर्म में ले आए। हमने क्या सोचा फिर कि चलो जो हमें आता है वो तो हम कर लें, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी के साथ कॉस ए साइन बी साथ में आया डीएक्स, ठीक है। अब ये जो साइन क्यूब है आप सोचिएगा जरा सा, अगर ये साइन क्यूब की बजाय साइन फोर होता तो रूट से बाहर निकल के साइन स्क्वायर होता, साइन स्क्वायर ऊपर जाता तो कॉसेक स्क्वायर होता। कॉसेक स्क्वायर के बारे में हम फिर भी थोड़ा जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, तो उसके लिए हमने सोचा साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, बट साइन तो यहाँ है ही नहीं साइन एक्स, तो हमने यहाँ पर क्या किया साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। आप देखो साइन एक्स यहाँ भी है अब यहाँ भी है, तो हमारे पास आया साइन फोर एक्स, बचा क्या कॉस अल्फा, साइन एक्स तो कॉमन आ गया, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट एक्स के साथ साइन अल्फा। जो चीज़ एक्स नहीं है वो मेरे लिए सिर्फ कॉन्स्टेंट है। अब साइन फोर बाहर आया तो साइन स्क्वायर और ऊपर पहुंचा तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, अपॉन में आया कॉस अल्फा कॉट एक्स के साथ साइन अल्फा। मैं ये देखता हूँ ये कॉस अल्फा है ध्यान नहीं देता, कॉन्स्टेंट है, साइन अल्फा ध्यान नहीं दिया, एक्स में क्या दिखाई दिया कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। हम उस चीज़ को टी मानना चाहते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमें डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में नज़र आता है, इसीलिए हमने कॉट एक्स को टी मान लिया। फिर आपको मैंने बताया था कॉन्स्टेंट जब भी आप फालतू में दिखाई दें इन्हें जरूर टी में ले लिया करो, क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो ही जाएगा, इन्हें लपेटा करो टी मानते वक्त। तो हमने कॉस अल्फा के साथ कॉट एक्स और साइन अल्फा को टी माना, ये जीरो हो गया, ये मल्टीप्लाई वाला कॉन्स्टेंट है तो कुछ नहीं कहेगा, और आ गया माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और डी एक्स बन गया डी टी। आप देखो आपके पास क्या क्या है, आपके पास तो कॉस एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स है ना, तो साइन अल्फा तो नहीं चाहिए, इसे दूसरी साइड ले जाओ, तो ये बन गया आपके पास कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स और वन अपॉन में साइन अल्फा और डी टी। तो डिनोमिनेटर में तो आ गया टी और डी एक्स की जगह बन गया माइनस का वन अपॉन साइन अल्फा और डी टी। वन अपॉन रूट टी क्या होता है टू रूट टी और माइनस का वन अपॉन साइन अल्फा प्लस में आ गया सी, तो माइनस टू रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा अपॉन में साइन अल्फा और लास्ट में आ गया सी। इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन साइन में आ रहा है तो आपने साइन फोर बनाया। एक बार किसी स्कूल में ये क्वेश्चन सेम कॉस में आ गया था तो कॉस फोर बनाओ, कॉस फोर बाहर आएगा तो कॉस स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर, तो नीचे टेन बनेगा ऊपर सेक स्क्वायर बनेगा, तो कॉस में आ जाए तब भी ऐसे, साइन में आ गया तो आपके सामने है ही। 15th क्वेश्चन में 2 2 2x 2 2x and 2 raised to power x, तो a raised to power x
ए रेज टू पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए। तो हमने जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ दिखाई दी उसे हमने टी मान लिया। अब सोचो कि ये तो एक्स लिखा हुआ है, तो ए रेज टू पावर एक्स का होता है ए रेज टू पावर एक्स, साथ में आया लॉग ए, और डिफरेंशिएशन किस का, बॉक्स का, तो टू टू एक्स का, साथ में इधर आ गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ए रेज टू पावर एक्स का क्या होता है, अगर कन्फ्यूजन होता है इधर लिख दो डी एक्स, ए रेज टू पावर एक्स का क्या होता है ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए, और डिफरेंशिएशन किस का, बॉक्स का, तो टू 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 एक्स लॉग टू इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ए रेज टू पावर एक्स का क्या होता है, ये तो पहले से लिखा हुआ है, ये भी है लॉग टू हो गए लॉग टू का स्क्वायर, और ए रेज टू पावर एक्स का ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए, डी एक्स को इधर ले आए डी टी को उधर रहने दिया। आपके पास में ये चार चीज़ें हैं, एक दो तीन चार, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो टू 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 एक्स टू टू एक्स टू एक्स डी एक्स इज वन अपॉन लॉग टू का होल क्यूब डी टी। तो ये आपके पास आया, ये आपके पास बहुत बढ़िया आया, क्योंकि आप देखो इससे इजी तो कुछ है ही नहीं, ये तो सारा ही ख़त्म हो गया और बचा सिर्फ वन, और वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स मतलब टी, तो आया टी अपॉन लॉग टू का होल क्यूब, और टी क्या है टू 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 एक्स टू टू एक्स, बस इतना ही है, एक ही है, और आया प्लस में आ गया सी। 15th क्वेश्चन में x की पावर का क्वेश्चन है, ये या तो आपके स्कूल टीचर्स का फेवरेट होता है, अगर उनका फेवरेट नहीं होता उस साल तो ये बोर्ड का फेवरेट होता है, मतलब इस क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते, एक ना एक बार आना जरूर है आपका। ये इस क्वेश्चन की शॉर्टकट छोटी सी एक ट्रिक है जो आप याद रखें तो कभी भी दिक्कत नहीं आती, आपको अपॉन में क्या दिख रहा है 4, तो आपको x की पावर 4 कॉमन लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन हो ना हो गलत हो जाए, आपका पहला एम अपॉन में जो है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में से हम सर्ड कहते हैं, जो सर्ड है हमें वो पावर लेनी है, सर्ड वर्ड याद नहीं रहेगा, अपॉन वाली पावर याद रखो जो होती है वो हमें लेनी है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से x की पावर 4 तो कॉमन है नहीं, तो इसे हम लिख सकते हैं x4 अपॉन x क्यूब, हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर आपके पास क्या है 1 अपॉन x 5, सही है, ये आपके पास 1 अपॉन x 5 है, इन दोनों में से आया कॉमन x 4 है, बचा यहाँ 1 अपॉन x क्यूब है, इस की होल पावर 1 अपॉन 4 है। इस स्टेप तक कोई दिक्कत, क्या करना है पहले स्टेप में पता था, उसके बाद तो सिर्फ करते जा रहे हैं। ये जो 1 अपॉन 4 पावर है ये इसकी भी है और इसकी भी है, 4 की पावर 1 अपॉन 4 करेंगे तो x आ जाएगा, और ब्रैकेट में देखें तो 1 माइनस 1 अपॉन x क्यूब की पावर 1 अपॉन 4 आ जाएगी, एक पावर कैंसिल हुई तो आया 1 अपॉन 4। आप ध्यान दें ब्रैकेट में आपके पास है x की पावर माइनस 3 है ना, और यहां पर है x की पावर माइनस 4, सोचो कि मैं इसे t मानूं तो क्या मुझे इसका डिफरेंशिएशन नजर आता है या नहीं, चेक करते हैं। 1 माइनस
एक्स माइनस थ्री को अगर मैं टी मानूं तो थ्री एक्स माइनस थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा माइनस का, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। आप देखो सही है या गलत है। तो आपको तो क्या चाहिए, सिर्फ x माइनस फोर चाहिए, तो ये हुआ वन अपॉन थ्री के साथ डी टी। हमें हर बात बहुत ध्यान से सुननी है क्योंकि हमें इन्हें समझना है, हमें इंटीग्रेशन की राइटिंग इम्प्रूव नहीं करनी। पावर होती है तो पावर को इंक्रीज कर लो, प्लस में वन आया, साथ में सी आया, लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर देना। 16 क्वेश्चन में हमारे पास x माइनस वन की पावर है, x प्लस टू की पावर है और ये 4 है, तो इसका मतलब होता है कि ये 3 बाई 4 है और यहाँ पर आया 5 बाई 4 है। आप कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वैसे तो, ये आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा। हमने x माइनस वन रेस्टी पार 3 बाई 4 है, हमने x माइनस वन रेस्टी पार 5 बाई 4 से मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। याद सा कर लेना इस क्वेश्चन को, जब पूरा हो जाए तब समझ में आएगा कि ऐसा हम क्यों करे थे। इट्स लाइक सस्पेंस मूवी, जो एंड में समझ में आता है ये सब क्या हुआ था। आप इन दोनों पे ध्यान दो तो 3 और 5 मिलकर क्या हो गए, 8, और 8 बाई 2 क्या होता है, तो ये हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा दूसरा ध्यान देते हैं, ये भी 5 बाई 4, ये भी 5 बाई 4, तो x माइनस 1 और x प्लस 2 रेस्ट पा 5 बाई 4 और dx, सही है। डिनोमिनेटर में कुछ स्क्वायर सा आ रहा है, तो किसका स्क्वायर आ रहा है, x माइनस 1 का, तो फिर x माइनस 1 को डिनोमिनेटर में होना चाहिए था ना लॉजिकली। तो अब क्या करते हैं, x माइनस 1 में ही ले जाते हैं इसको अपॉन में, तो अब हमारे पास है 1 अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन रेस टू पावर 5/4, वन अपॉन में एक्स माइनस वन का स्क्वायर और साथ में आया डी एक्स। एक्चुअली ये जो होते हैं ना, एक्स के साथ कुछ भी हो अगर, तो इनका डिफरेंशिएशन करके न्यूमरेटर में एक्स रहता ही नहीं है। आप देखिएगा, इसको टी मानोगे ना तो ये डी टी आएगा। चेक करते हैं, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन को टी माना, तो डिनोमिनेटर तो रेडी पहले से ही था, आप लोगों ने इंटेंशनली इसे डिनोमिनेटर में रखा था। डिनोमिनेटर लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर लिखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, कितना आया। आप देखो क्या इसे वन अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर डी एक्स और माइनस का अपॉन थ्री डी टी। आप देखो ये है नहीं है आपके पास, और ये टू होता, थ्री होता, फाइव होता, फोर होता, ए होता, बी होता, कोई भी कॉन्स्टेंट होते, इन्हें हमेशा कैंसिल होना ही था। ये हमेशा ही वो आएगा जो डिनोमिनेटर में होगा उसका स्क्वायर करके, हमेशा, ठीक है, क्योंकि x से x हमेशा कैंसिल होगा, बाकी बचेंगे कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट की हमें कोई परेशानी होती नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है आगे आपको। तो अब क्या हो गया, ये वन अपॉन टी रेस टू पावर 5/4 और यहां आ गया आपके पास माइनस का 1/3 डी टी। ये टी की पावर कितनी है, माइनस 5/4 प्लस वन, माइनस 5/4 प्लस वन, लास्ट में आ गया सी। 14 क्वेश्चन में हमारे पास 1 अपॉन रूट में साइन क्यूब है और साइन एक्स प्लस एल्फा है,
देखिए साइन की पावर 3 है, अगर 4 होती तो साइन 4 होता, बाहर आता साइन स्क्वायर होता, न्यूमरेटर में जाता तो कॉसेक स्क्वायर होता, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हमें आता है। तो अब क्या करें, कोशिश करें क्या ये साइन 4 बन सकता है या नहीं। सेम क्वेश्चन क्या है, कॉस में भी आ सकता है, फिर आप सोचोगे कॉस 4 बन जाए, बाहर निकलेगा कॉस स्क्वायर बन जाए, ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर बन जाए, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आता है। तो ये मत कहना सर आपने तो साइन वाला कराया था, वहाँ तो पेपर में मुश्किल आ गया, कॉस वाला आ गया। साइन वाले की भी सेम अप्रोच है, कॉस वाले की भी सेम अप्रोच है, बीच में प्लस हो तब भी सेम अप्रोच है, माइनस हो तब भी सेम अप्रोच है। अब देखिए ये हमारे पास साइन का क्यूब है और आया साइन एक्स प्लस एल्फा, जो क्या होगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। लास्ट में एक डी एक्स है, मैं चाहता हूँ साइन कॉमन आ जाए, यहाँ तो साइन है बट वहाँ पर साइन नहीं है। तो हमने क्या करा, समझाने के लिए आप लोगों को एग्जाम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस काम की, हमने साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। आप देखो साइन कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये बचा आपके पास साइन कॉमन आके बन गया साइन 4x, और यहाँ बचा कॉस एल्फा साइन एल्फा और इंटरेस्टिंगली कॉट एक्स। आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, अटेंटिव, कि भाई कॉस एक का लिंक कॉट के साथ होता है, सेक स्क्वायर का लिंक टेन के साथ होता है। अगर ऐसी दो चीज़ें बन रही हैं, स्पेशली डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बने, टी कहीं भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे साइन 4 बाहर निकला साइन स्क्वायर, ऊपर गया तो बन गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में आया रूट में कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉट एक्स। शार्प माइंड होने के लिए आपको छोटी मोटी परेशानियों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, ना कॉस अल्फा पे ध्यान दो ना साइन अल्फा पे ध्यान दो, ये कॉन्स्टेंट हैं। आप ध्यान दिया करो एक्स में क्या लिखा हुआ है, ये कॉट एक्स है ऊपर कॉस एक्स स्क्वायर है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसका डिफरेंशिएशन हमें नज़र आ रहा है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो आप इसे टी ले लो। टी लेते वक्त हमेशा कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टेंट को दाएं बाएं से आ जा, तू भी आ जा तू भी आ जा, क्योंकि बेचारे डिफरेंशिएशन में क्या होंगे, शहीद हो जाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। सही है, उन्हें बहका बहका के अपने साथ ले आओ, बोले चल तुझे यहाँ घुमा के लाऊंगा वहाँ घुमा के लाऊंगा, और वहाँ डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में बोल देख भाई अब यहाँ डिफरेंशिएशन होगा, वो घबराएंगे तड़पेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। और जीरो हुआ जीरो हुआ, आया माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये बच गया क्योंकि इसके बिल्कुल साथ था, वो जो था अकेला और तन्हा वो शहीद हो गया। तो आपको लेकिन फिर देखा क्वेश्चन में जरूरत किसकी है, बड़े मतलबी होते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करते वक्त, उस पर ध्यान देते हैं जो हमें चाहिए। आज बेचारे कॉस अल्फा की जरूरत नहीं थी, एक सेकंड में उसे खत्म कर दिया, कौन है वो, जरा भी दया नहीं आई। फिर साइन अल्फा से कहा भी ऐसा है देख तेरी जरूरत है नहीं तू जा, उसे दूसरी तरफ भगा दिया, बोले मुझे माइनस से बोले तू भी जा। वरना कभी कभी हम माइनस की पूजा टाइप में करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं प्लस करते हैं माइनस करते हैं, जब चाहिए होता है तो उसको सब कुछ करते हैं, आज नहीं चाहिए भगा दिया क्योंकि चाहिए थे सिर्फ ये दोनों। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 1 अपॉन साइन अल्फा 1 अपॉन में रूट टी और आ गया होगा डी टी, हाँ ऐसा ही आया। और 1 अपॉन रूट टी का तो बहुत ही सुंदर सा हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जिसे हम 2√t के नाम से जानते हैं, और लास्ट में आ गया सी।
15 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमें x^4 - x^1/4 देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी पॉपुलर हैं। आपको करना क्या है, ये जो x की पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें आप देखो कि कुछ क्वेश्चंस अपॉन की पावर के आ जाते हैं। तो जब भी अपॉन की पावर का क्वेश्चन हो, आप समझ लो आपको x की पावर 4 कॉमन लेना ही लेना है, चाहे आपसे क्वेश्चन हो या ना हो। एक एम है कि जो अपॉन में है हमें वो चाहिए ही चाहिए कॉमन में, तो एक्स फोर आपको कॉमन लेना है। वैसे तो अगर मैं किसी से बोलूं भाई एक्स फोर कॉमन लेना है, तो कहोगे बोले थोड़ा तो ध्यान करो, एक्स फोर आ भी नहीं रहा कॉमन तो। लेकिन आप इसे एक्स फोर अपॉन एक्स क्यूब तो लिख सकते हैं या नहीं, यहाँ पर है पावर 1/4 साथ में 1/x^5। तो देखिए आपने एक्स फोर कॉमन लिया तो बचा 1 - 1/x³ की पावर 1/4 के साथ 1/x^5। ठीक है, तो ये 1/4 पावर इसकी भी है और इस ब्रैकेट की भी है। सही है, ये कैंसिल हुई, पावर बची 4, तो आ गया 1 - 1/x³ की पावर 1/4 और x की पावर 4 के साथ dx। अब देखिए, अगर मैं इसे t मानूं तो वो इसका dt है। तो हमने 1 - 1/x³ को माना t, तो ये x की पावर कितनी है, -3, तो ये आया 3x^-4 dx = बन गया dt। तो 1/x^4 dx = आया 1/3 के साथ dt। आप देखो 1/4 और dx है आपके पास, तो ये बन गया आपके पास 1/3 के साथ dt और t^1/4 ये आ गया t^1/4 dt 1/3 और पावर होती है तो उसे इंक्रीज कर देते हैं बाय 1 और सॉल्व करो तो आ गया आपका आंसर।